अमेरिका में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। हालात और बिगड़ने की आशंका है क्योंकि क्रिसमस और साल के आखिर में मिलने वाली छुट्टियों को लेकर उत्साहित अमेरिकन एहतियात की अपीलों को नहीं मान रहे। अमेरिका में कोरोना खतरनाक दौर में है। अमेरिका में कोरोना का जोरदार अटैक, हर रोज औसतन 2 लाख नए मामले, हर रोज औसतन 2000 से ज्यादा मौत, हर 33 सेकंड में एक अमेरिकी नागरिक की मौत, 7 दिनों में 18000 से ज्यादा की मौत। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अमेरिका में कोरोना वायरस से हालात कितने भयावह हैं। संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी है, आईसीयू बेड की किल्लत होने लगी है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 1,86,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। अमेरिका में न केवल कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, जो अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका के टेनेसी और कैलिफोर्निया प्रांत में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। मौत के मामले में आयोवा और साउथ डिकोटा सबसे आगे हैं। अमेरिका में 50 प्रांतों में से 31 में पॉजिटिविटी रेट 10% या इससे ज्यादा है। आयोवा और इदोहा में पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा 40% है। अमेरिका में वैक्सीनेशन भले ही शुरू हो गया है, लेकिन अभी इस बात की आशंका है कि आने वाले दिनों में कोरोना के मामले और भी बढ़ेंगे, क्योंकि सामने क्रिसमस की छुट्टियां हैं और लोग एहतियात बरतने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। फाइजर और मॉडर्ना अपनी वैक्सीन का ब्रिटेन में मिले नए कोरोना वायरस पर टेस्ट शुरू कर चुके हैं। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों वैक्सीन ब्रिटेन में मिले नए कोरोना वायरस के खिलाफ कितनी सुरक्षित हैं। दुनिया भर में तबाही मचा रहे कोरोना का कहर अभी थमा भी नहीं था कि ब्रिटेन में मिले वायरस की नई किस्म से हड़कंप मच गया है। इस बीच फाइजर और मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन का ब्रिटेन में मिले वायरस की नई किस्म पर टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। फाइजर और मॉडर्ना अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन पर परीक्षण कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि ब्रिटेन में पाए गए वायरस की नई किस्म के खिलाफ वैक्सीन कैसे काम कर रही है। फाइजर के मुताबिक अब वो ऐसे आंकड़े जुटाने में लग गई है कि कैसे वैक्सीन यूके में मिले कोरोना की नई किस्म को बेअसर करने में सक्षम हो सकती है। बता दें कि फाइजर और मॉडर्ना दोनों ही एक अमेरिकी वैक्सीन हैं, जिन्हें यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने आपात इस्तेमाल के लिए अधिकृत किया है। वहीं ब्रिटेन से भारत आए 20 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन से दिल्ली पहुंचे 6, कोलकाता पहुंचे 2, अहमदाबाद पहुंचे 4 और अमृतसर पहुंचे 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमृतसर पहुंचे विमान के चालक दल का एक सदस्य भी पॉजिटिव पाया गया है। आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन में नई तरह के कोरोना वायरस मिलने के बाद जर्मनी में डर का माहौल दिखाई दे रहा है। जर्मन सरकार ने लॉकडाउन के नियमों को और कड़ा कर दिया है, साथ ही क्रिसमस पर दी जाने वाली लॉकडाउन में छूट को भी वापस ले लिया है। जर्मनी ने ब्रिटेन से अपने सभी यातायात संपर्क भी तोड़ लिए हैं। क्रिसमस आने से पहले ही यूरोप के ज्यादातर शहरों में भव्य रौनक दिखने लगती है, लेकिन इस बार यहाँ कुछ अलग ही नजारा है। यूरोप के ज्यादातर देशों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर देखी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ के ज्यादातर शहरों में लॉकडाउन है और करोड़ों लोग अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं। तस्वीरों में दिख रहा है ये शहर जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जहाँ क्रिसमस की रौनक एकदम फीकी पड़ चुकी है। ज्यादातर दुकानें बंद हैं, सड़कें खाली हैं और आवाजाही ना मात्र की है। अपने घरों से बाहर भी चंद लोग ही नजर आ रहे हैं। ये हालात तब हैं जब क्रिसमस आने में महज चंद दिन बाकी हैं। दरअसल जनवरी में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए अगले साल जनवरी तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ एक अलग ही नजारा दिख रहा है। यूरोप के सबसे अमीर देश जर्मनी में कोरोना महामारी से अब तक 27,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 15 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं। तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए जर्मनी सरकार ने क्रिसमस पर दी जाने वाली लॉकडाउन में छूट को भी वापस ले लिया है। साथ ही सरकार ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। ब्रिटेन में नए तरह के कोरोना वायरस मिलने के बाद जर्मनी में भी डर का माहौल देखा जा रहा है। जर्मनी ने फिलहाल ब्रिटेन से अपने सभी यातायात संपर्क
तोड़ लिए हैं। आज तक ब्यूरो। स्पेन में निकाली जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी क्रिसमस लॉटरी एल्गोडो के विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी गई है। इस लॉटरी में 4 लाख यूरो यानी 3,60,00,000 रुपए टॉप इनाम के तौर पर बांटा जा रहा है और सबसे ज्यादा इनाम राशि की वजह से इसे दुनिया की सबसे अमीर लॉटरी कहा जाता है। कोरोना काल में महाजश्न की तस्वीरें स्पेन की राजधानी मैड्रिड से आई हैं, जहां दुनिया की सबसे बम्पर लॉटरी का ड्रॉ निकाला गया। इस मशहूर क्रिसमस लॉटरी के विजेता को 4,00,000 यूरो की इनामी राशि दी जाती है, जो दुनिया में किसी भी लॉटरी में दी जाने वाली सबसे बड़ी है। एल्गाडो नाम से दुनिया में मशहूर इस लॉटरी के इस बार के विजेता का नंबर है 72897, जिसे इनाम के तौर पर 3.60 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके बाद दूसरा लकी नंबर निकाला गया जो 52472 रहा। वहीं इसके थोड़ी ही देर बाद तीसरा लकी नंबर 060095 निकाला गया। लॉटरी की 20 यूरो की कीमत वाली टिकट को देश भर में लोग किस्मत बदलने की उम्मीद से खरीदते हैं। परंपरा के मुताबिक इस छप्पर फाड़ लॉटरी का लकी ड्रॉ स्कूली बच्चों से निकलवाया जाता है। कोरोना की वजह से इस बार तमाम सावधानियों के साथ ड्रॉ आयोजित कराया गया था। सबसे बड़ी इनामी राशि की वजह से इसे दुनिया की सबसे अमीर लॉटरी कहा जाता है। आमतौर पर जीतने वाले लोग सड़कों पर इसका जश्न मनाते हैं, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की महामारी के चलते जश्न का रंग थोड़ा फीका जरूर रहा। आज तक ब्यूरो।